घोसी लोकसभा से सांसद राजीव राय आज रेलवे स्टेशन मऊ पर निरीक्षण करने पहुंचे। सांसद राजीव राय जैसे ही प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंचे, वहां पर पानी की समस्या देखते ही उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों को फोन लगाया और जनता की समस्याओं की अनदेखी पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं रेल मंत्री से शिकायत करूंगा। क्या वाली बात कर रहे हो आप? रेल मंत्री से बात करेंगे? कुछ भी बोल दोगे? मेरे से बात कर रहा हूँ, अगली बार सोच मत पता। ऐसा नहीं है पूरे पानी का, मुझे भी पता। मैंने आपसे बोला कहा था स्टेशन में पानी नहीं है, तो उधर के जो डब्बे उतरे के लोग जाएंगे वो पीछे पानी लेने। जो कराने तो मैं एफआईआर कराऊंगा, तुम्हारे रेल मंत्री से भी बात करूंगा। जो 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 गार्ड फादर उसको भी बता देना। निर्माण है, अधिकारी बोल रहे हैं, मेमो इशू किए हैं, कर रहे हैं संस्कार को, अब उनका उनको तो किसी का बर्दाश्त कर से बात किया। बताइए, आधे स्टेशन पूरी गर्मी निकल गई, सीधा से सवाल है अगर उधर के कंपार्टमेंट से कोई उतरा पानी पीने के लिए नहीं हो तो नाम अमृत स्टेशन में पानी भी लाना, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहा होगा, कहने पूछने वाला नहीं है, अधिकारी से बात किया, अधिकारी लोग बेचारे मेमो इशू कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं। उन्होंने मेमो इशू किया है, वो काम नहीं कर रहा है, उसको भी मैं क्लास लिया। यहाँ एक रेलवे ने सड़क बनवाया था, आप पत्रकार साथियों ने बताया कि एक ही साल में उड़ गई सड़क, उसकी भी जिम्मेदारी कोई फिक्स नहीं कर रहा था। तो आज पता चला, मैंने अधिकारियों से बोला है कि या तत्काल रिपेयर कराओ या मैं FIR कराऊंगा। तो और जो मतलब यहाँ समझ गया है, हमारे यहाँ के लिए दिल्ली बॉम्बे चाहे दक्षिण भारत के लिए कोई सुपर फास्ट है, आप लोगों को पता होगा मैंने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया था। तो मैं बेसिकली तो मैं जानने आया था मूलभूत समस्याएँ क्या है, क्या प्रोसेस में है और क्या नया काम हो सकता है। अधिकारियों के साथ बैठक करके मैंने समझा उसे, जो कमियां थी संबंधित लोगों से, जिससे रोड के लिए उनसे पानी के लिए उनसे बात किया, और कुछ सीनियर के प्रपोजल है जो मैं दिल्ली जाऊँगा तो माननीय रेल मंत्री से मिलकर उठाऊँगा। तो जितना काम बेहतर हो सके, जो हो रहा है काम जल्दी हो सके और उसमें क्या सुधार हो सके, यही तो हमारी जिम्मेदारी है। रेलवे स्टेशन जितने भी निर्माण हो रहे हैं उसमें घटिया किस्म के ईंट और तमाम मतलब मानक के विपरीत हो रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। मैं पूरे तो पूरे देश की बात है, मैं पूरे देश का तो ठेका नहीं लिया हूँ, यहाँ पर यहाँ के मैं अभी वैसे नहीं तो आया था, स्वयं देखने आया था ना, आप लोगों ने मुझे बताया था तो मैं स्वयं देखने आया हूँ। अब उन लोगों को अधिकारियों का ठेकेदारों का लिस्ट बनाने के लिए बोला हूँ, जो निर्माण नहीं करेगा सही तो अधिकारी नहीं करेंगे, तो मैं तो स्वतंत्र हूँ। कुछ और नई ट्रेनों की भी डिमांड की? हाँ, मैं जैसे देखिए मैं गूगल कर रहा था, तो अगर आप यहाँ से दिल्ली की ट्रेन डालेंगे तो एक दो यहाँ होगी, बाकी आपको बक्सर जाना पड़ेगा। यही बात मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, बलिया जाना पड़ेगा। तो नई ट्रेनें यहाँ से दक्षिण भारत में, हमारे जैसे बुनकर लोग का मार्केट दक्षिण भारत में है, वहाँ जाने के लिए नहीं है, बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली के लिए सिर्फ साप्ताहिक दो दिन की ट्रेनें हैं, उसको रोज़ चलना चाहिए। और मैंने मांग किया है पार्लियामेंट में, आप लोगों ने सुना होगा कि वंदे भारत या राजधानी एक्सप्रेस कोई तेज़ गाड़ी, तो उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है वो भी समझ नहीं आता मैं। तो अब जो समझा हूँ इसके आगे अभी जाऊँगा दिल्ली, तो मंत्री से गलती का काम कराऊँगा।